अब खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए बांदीकुई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को जब्त किया। पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत शालावास गांव के पास नदी में अवैध खनन की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। जो है वो ज्वाइंट एक्टिविटी के लिए कहा हुआ है, हमने जो है इस बाबत जो है वो प्रशासन, वन और खनन विभाग, इन तीनों को लेटर भी लिखे हमने। तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि थोड़े दिन पहले बसों में जो है वो ट्रैक्टर पकड़ा था, उसी में खनन के खिलाफ रोकथाम के लिए हमने आज भी बांदीकुई में जो है अलग अलग टीमें गठित की थी हमने, और सुबह हमने अलग अलग जगह दबिश दी, और उस दबिश में हमने जो है आज एक जेजेसीबी और ट्रैक्टर जो है वो सीज करके हमने जो है माइनिंग डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दी है, और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो जुर्माना सहित आगे जो भी उनके लीगल एक्शन